तो दोस्तों, एज सॉफ्टटेक एकेडमी में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं आपको कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू क्रड ऑपरेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोग को दिखाया कि कंटेक्स्ट एपीआई क्या है, और साथ साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिड्यूसर जो एपीआई है वो कैसे काम करता है। तो गाइज, अगर ये दो वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो, या फिर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप पहले रिड्यूसर की जो वीडियो हमारी है उसको देखिए इसी प्लेलिस्ट में, और उसके साथ साथ में कंटेक्स्ट एपीआई क्या है उसको तीन एग्जांपल से मैं समझाया हूँ। ये जानने के बाद में ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होगा समझने में। तो देखिए, एक नॉर्मल अगर आप देखेंगे बाहर से तो कुछ खास बात नहीं है। इसमें क्या है, यहाँ पर डिलीट है और एडिट है, यहाँ पर क्रिएट करने का है। तो चलो ठीक है, क्रिएट भी कर लेते हैं। एक नाम दे देता हूँ अपना, मैं खुद ही नाम रहमान, और ये पासवर्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, क्रिएट किया। अब यहाँ से हम लोग रीड में चेक करेंगे कि जाके वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि नेम हमारा जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल एक क्रड ऑपरेशन है। अगर आपने रिएक्ट में कभी क्रड ऑपरेशन किया तो आपके लिए डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ से मैं एडिट करता हूँ तो डेटा फिल होके आ गया, और अब यहाँ पे ऐसे दे दिया, और यहाँ पे फाइनली अपडेट करूँगा मैं रिडायरेक्ट नहीं किया हूँ, यहाँ पर इसको रिडायरेक्ट कर दिया। आप देख रहे हैं उमर अब्दुल रहमान, दैट मीन्स वाट कि इट इज अपडेटिंग परफेक्टली। नाउ लेट्स ट्राई वन मोर थिंग कि हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू डिलीट दिस वन। क्लिक ऑन डिलीट एंड इट शुड डिलीट, सो परफेक्टली इट गॉट डिलीटेड एज यू कैन सी। अब यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीनों परफेक्टली काम कर रहा है। अब इस ये काम कैसे कर रहा है, ये पूरा चीज़ को मैं कोड में आप लोग को दिखाऊँगा। एक बात मैं बताऊँ कि अभी कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पूरे लाइन टू लाइन कोड करके नहीं समझाता हूँ, कोड ऑलरेडी है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ दैट वर्क्स, कैसे काम कर रहा है पूरी चीज़ों को। तो अगर आपने रिएक्ट का आपको मिडिल लेवल या बेसिक नॉलेज अगर है तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो दिस इज़ माय कंप्लीट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या है, app.js जो कि फेमिलियर है, आपको पता ही होगा, इसमें कुछ नहीं है। ये सारे देखिए कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर, ये सारे कॉम्पोनेंट्स के अंदर में से हमने, मतलब ये सारे कॉम्पोनेंट्स हमने क्रिएट किए, जिसका नाम है क्रिएट रीड स्टूडेंट और अपडेट स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट। ये चार कंपोनेंट है यहाँ पर। ठीक है, कंपोनेंट आपको बनाना आता ही होगा, और नहीं आता है तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ भी दिखाया है। तो यहाँ पे कंपोनेंट ये क्रिएट हो गया। ठीक है, मतलब क्रिएट करना है आपको। उसके बाद में वो कहाँ पर है, देखिए कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में है सारा। उसके अलावा जो एक खास बात है वो है यहाँ पर स्टूडेंट कंटेक्स्ट। ओके, तो आप देखते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, ये जो कंटेक्स्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया हमने यहाँ पर, और इसमें गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं कोड जो है ना वो लाइन टू लाइन, ये कोड आप लोगों को दे दूँगा, और कोड में लाइन टू लाइन लिख नहीं रहा हूँ, इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेन मकसद है समझना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो एक एक लाइन में अगर लिखने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ये कैसे काम कर रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो कंटेक्स्ट एपीआई के अंदर आप थोड़ा इसको ओपन करके देखते हैं हम लोग। कंटेक्स्ट जो है इसके अंदर जो क्रिएट कंटेक्स्ट है ये कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें तीन अलग अलग एग्जांपल से समझाया हूँ उसमें कि कैसे कंटेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे उसको प्रोवाइडर के थ्रू हम लोग वैल्यू को पास करते हैं, और कैसे जो है उसको कंज्यूम किया जाता है। मतलब तीन पार्ट होता है, ये सारा डिटेल से मैंने समझाया है। वो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा अभी इसी प्लेलिस्ट में आप देखिए, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूँगा कि आप उसको देखिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियो को देख चुका है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कंटेक्स्ट जो है क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। कंटेक्स्ट से क्या होता है कि वैल्यू को हम लोग विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग के, मतलब जिस चाइल्ड कॉम्पोनेंट में हम लोग चाहें ईजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट किया, और आपको पता है, अच्छा कंटेक्स्ट, हाँ उसके बाद जो है बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, वो है रिड्यूसर की, यूज रिड्यूसर है ना। यूज रिड्यूसर के बारे में भी मैं डिटेल से समझाया हूँ कि यूज रिड्यूसर क्या है, और ये जिस तरह से यूज इफेक्ट है या फिर जो है और भी यूज स्टेट है वो कैसे काम करता है। यूज स्टेट का ये एडवांस फॉर्म है, मैं पूरा डिटेल से वो वीडियो में बताया हूँ,
उस वीडियो को आप पहले देखिए इनकेस नहीं देखा तो। चलो ठीक है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने वो देख लिया। तो आपको पता है कि यूज रिड्यूसर में दो चीज़ें लेता है, एक क्या लेता है कि यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन लेता है और दूसरा में उसका इनिशियल स्टेट लेता है। तो इनिशियल स्टेट में हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में एक एरे ले लिया स्टूडेंट को, खाली लिया, और यूज रिड्यूसर को हमको बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। इसमें दो चीज़ें होता है, आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, स्टेट होता है, एक्शन होता है, स्टेट को लेता है और एक्शन के थ्रू डिपेंडिंग अपॉन कि कौन किस तरह का एक्शन है और उसका एक्शन को परफॉर्म करता है और यहाँ से क्या करता है वो रिटर्न करता है हमें मॉडिफाइड स्टेट, है ना। तो यहाँ से वो स्टेट ये कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेट स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट, ये हमारे अलग अलग कंडीशंस हैं यहाँ पे। और ये कंडीशन आ कहाँ से रहा है आपको दिखा, हाँ तो ये जो यूज रिड्यूसर है, ये यूज रिड्यूसर को जैसा कि मैं बताया आपको कि घोल घोल के मैं बताया हूँ, पिलाया हूँ अगले वीडियो में, उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखें। हाँ तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमने पास किया है एज ए फंक्शन और इनिशियल स्टेट। और ये इसमें आपको पता है कि इसमें दो चीज़ें होती है, स्टेट होता है, डिस्पैच होता है। डिस्पैच क्या है, फंक्शन है। जैसे यूज स्टेट में क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक वैल्यू होता है, उसी तरह से फंक्शन है, इसके थ्रू हम लोग वैल्यू को एक्सेस करेंगे या अपडेट करेंगे व्हाटएवर। अब प्रोवाइडर में क्या है, हम ये दोनों को पास किया, देखो स्टेट को भी और यहाँ पे फंक्शन को भी। और चिल्ड्रन दैट मीन्स व्हाट, कि इसके अंदर में जो जो भी होगा वो इसका वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं भैया, देखो यूज अब क्रिएट किया था यहाँ पे हमने ऊपर में, अब उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रोवाइडर के थ्रू क्या होता है, वैल्यू को पास किया जाता है, है ना, कि यूज कहाँ कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे है यूज कंटेक्स्ट, इसमें क्या करने जा रहे हैं हम लोग, यूज कंटेक्स्ट का कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट क्रिएट करके दे दिया और एक्सपोर्ट कर दिया प्रोवाइडर को और यूज स्टूडेंट कंटेक्स्ट को। यूज स्टूडेंट कंटेक्स्ट के थ्रू हम लोग ये सारे वैल्यू को एक्सेस करेंगे और डिस्पैच के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा को सेंड करेंगे। तो अब आते हैं कोई एक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आता हूँ या कंपोनेंट्स में जाएंगे, और अच्छा उससे पहले कि ऐप में एक बार फिर से चले जाते हैं हम लोग और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अगर क्रिएट किया है और यहाँ पर नई कोई बात नहीं है, लिंक टू करके सबको रीड में डाला और यहाँ पे ये भी कोई नई बात नहीं है, राउट्स के थ्रू सबको हमने यहाँ पे राउटिंग का दे दिया, एडिट में आईडी पास किया और डिलीट में भी आईडी पास किया है। तो अब हम लोग कंपोनेंट्स में जाते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिएट स्टूडेंट कंपोनेंट का। तो गाइस क्रिएट स्टूडेंट कंपोनेंट में क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखिए सबसे पहले क्या है, यूज कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट हमारा क्रिएट हुआ है यहाँ कंटेक्स्ट के अंदर में, उसको यूज कंटेक्स्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें से जो डिस्पैच फंक्शन है, जो डिस्पैच फंक्शन है उसको हम लोग डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो यूज स्टेट हमने लिया, जो नॉर्मल पहले भी आप करते आ रहे हैं, यूज स्टेट में फॉर्म डेटा है और सेट फॉर्म डेटा है, फंक्शन है, ये वैल्यू है यहाँ पर। अब जो नॉर्मल है इसमें कुछ नहीं भाई, कि यहाँ पे जो टाइप कर रहे हैं वो डेटा आके सेट हो रहा है और वो वैल्यू में फॉर्म डेटा में जा रहा है, और ये फॉर्म डेटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हैंडल सबमिट जो फंक्शन जो यहाँ पर उस पर जब सबमिट करेंगे तब क्या होगा, ये सबमिट होके जाएगा कहाँ पर, एक्सियोस के थ्रू, ये हमारा API का URL है वहाँ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म डेटा है, ये फॉर्म डेटा में मतलब इसमें जो टाइप करेंगे हम लोग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, व्हाटएवर, वो डेटा यहाँ से पास होगा। लेकिन ये डेटा जो पास होगा वो कैसे पास होगा, यहाँ पर ये देखो डिस्पैच के थ्रू हम लोग यहाँ पे भेजा स्टेट को मैनेज करने के लिए, कि वहाँ का जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स, पहले हम लोग क्या करते थे, रिस्पॉन्स डायरेक्ट यहाँ पे ले लेते थे हम लोग, है ना, इस पर ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, ये रिस्पॉन्स जो है इसको हम लोग पेलोड में पास कर रहे हैं, कहाँ पे, ऐड स्टूडेंट में। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंटेक्स्ट में, देखो ऐड स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड स्टूडेंट में ये पेलोड में जो वैल्यू आया वो फाइनली स्टेट में आके जमा हो गया, ठीक है। अब फिर आते हैं हम लोग, ये था हमारा ऐड स्टूडेंट में, क्रिएट में मतलब, ठीक है। अब उसी तरीके से अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फॉर्म है नॉर्मल जिसका ये फॉर्म डॉट फर्स्ट नेम, हैंडल चेंज, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट का दिया हुआ ये है सारा। अब हम लोग आते हैं इसी में रीड स्टूडेंट, रीड स्टूडेंट कौन सा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली फाइल, ठीक है। रीड स्टूडेंट में क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें भी हम लोग स्टेट और डिस्पैच दोनों को यहाँ पे यूज कंटेक्ट के थ्रू कॉल किया, और यूज इफेक्ट में जो हम लोग डेटा को फेच करेंगे वहाँ पे देखो ये फेच किया, और यहाँ पर भी जैसे बाकी पहले आप लिखते थे सेम वैसा ही है, यहाँ ये फेच URL दिया, और फाइनली हम लोग क्या करें डिस्पैच के थ्रू हम लोग यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग जाके फिर स्टेट में सेट कर देने, जाके कहाँ पे, टाइप
सेट स्टूडेंट और पेलोड रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में अगर हम लोग आएंगे, तो ये डिलीट करिए, बाद में देखते हैं इसको। नीचे में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या किया, मैप में स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट मैप। एक चीज़ याद होगा आपको, पहले आप क्या करते थे, इससे जो नॉर्मल जो हमारा आता था जो पहले आप, तो यहाँ पे जो है ना वो यूज स्टेट के थ्रू आप लाते थे यहाँ पे, ये इसके थ्रू नहीं, यूज स्टेट के थ्रू, है ना। और उसमें से जो स्टेट में जो वैल्यू होता था वहाँ, यहाँ पे देखो हम लोग क्या ला रहे हैं, यूज स्टूडेंट कंटेक्स्ट में से जो स्टेट है वहाँ से ला रहे हैं, मतलब ये पास हो रहा है। देखो यहाँ पे डेटा फेच करके पास हो रहा है, यहाँ स्टेट में से वैल्यू लिया और लेने के बाद कहाँ गया, वो इधर गया और यहाँ पे जो है वो सेट स्टूडेंट में गया और यहाँ पे इसको वैल्यू दिया और स्टेट को यहाँ जाके चेंज किया और फाइनली फिर से हम लोग रीड स्टूडेंट में इसके थ्रू ये जगह से यहाँ से हम लोग डेटा को ले रहे हैं, कहाँ पे, ये लूप में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे लूप में जैसे पहले आप दिखा रहे थे उसी तरह से बाकी रह गया हैंडल डिलीट का। डिलीट में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो डिलीट में आईडी पास हो रही है नॉर्मल, मतलब सारा पहले जैसे था वैसे ही है। यहाँ पे डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद ये आईडी लेके जाएगा वहाँ पर, जो आईडी हम लोग दे के जाएंगे, यहाँ पे आईडी पास किया हुआ, इसको ध्यान से देखो, ये फंक्शन के अंदर आईडी दी हुई है स्टूडेंट की आईडी, वो स्टूडेंट का आईडी लेके जाएगा और यहाँ पे वो आईडी के बेसिस पर इधर से जा रहा है और यहाँ पे डिलीट करने के बाद फिर क्या होगा, जो बचा हुआ डेटा रहेगा फिर यहाँ पे हम लोग उसको फेच भी कर लिया, जैसे मान लो जो डिलीट हो गया तो बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे लेगा डेटा और वापस हमें डिलीट जो फेच करके डेटा को दिखाएगा। और उसके लिए फिर डिस्पैच करेंगे हम लोग यहाँ से कि जो डेटा रिमेनिंग होगा वहाँ से रिटर्न होके आएगा और यहाँ पे कौन सा स्टेट, तो स्टेट में जो बचा हुआ रहेगा उसको यहाँ पे दिखाएगा वो। अब रही बात एडिट की, एडिट में कुछ नहीं, यहाँ पे बस स्टूडेंट डॉट आईडी दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग एडिट स्टूडेंट के अंदर में, वो है मतलब अपडेट स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट में क्या है, यहाँ पे फिर देखो यूज कर रहे हैं हम लोग यूज स्टूडेंट, इसको हम लोग कॉल किया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिए फिर से ये जो है, अच्छा ये पैरम्स में क्या हो रहा है आपको पता ही होगा कि यूज पैरम्स के थ्रू हम लोग जो पैरामीटर रहता है यहाँ पर, जैसे एडिट में ये जो आईडी होता है उसे फेच करने के लिए लेते हैं हम लोग यूज पैरम्स को। और यहाँ पे फिर से हम लोग यूज कंटेक्स्ट में क्या किया, स्टेट को लिया और डिस्पैच को लिया, नेविगेट करने के लिए ये वाला लिया हमने। और यहाँ पे फिर जो डेटा को वो नया चेंज करेगा वो सब स्टोर होगा। यूज इफेक्ट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे होता क्या है, शुरुआत में डेटा फिल होके आता है तो फिल करने के लिए तो आपको चाहिए, तो यहाँ पे फेच स्टूडेंट डेटा हम लोग यहाँ से फेच कर रहे हैं डेटा को। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो सेट फॉर्म डेटा, मतलब यहाँ पे इसमें फॉर्म डेटा में हम लोग जाके सबमिट कर रहे हैं ये जगह से, तो इसीलिए यहाँ पे वो डेटा हमारा फिल हो रहा है नीचे में आके इधर ये सब में, फर्स्ट नेम यानी जो फॉर्म डेटा फर्स्ट नेम ऐसे करके दिया तो डेटा इसीलिए फिल होके आ रहा है हमारा। तो पहला जो काम था क्या, वो डेटा को फिल होके आना, ठीक है, यहाँ पर इससे फिल होके डेटा आता है। अब जो है मेन जो है यहाँ अपडेट का जो काम है वो है, अपडेट का काम क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर देखो ये डिस्पैच करके अपडेट करेंगे, यहाँ से आईडी पास करेंगे और उस पूरा डेटा जो हम लोग नया फिल किया वो डेटा पास करेंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पर डेटा जो है हमारा आएगा डिस्पैच के थ्रू, अपडेट हो जाने के बाद जो डेटा रहेगा वो फिर वापस जाएगा कंटेक्स्ट में और कंटेक्स्ट के थ्रू अपडेट होगा कहाँ पर, वो सेट किस में हो जाएगा, वो स्टेट में सेट होगा और स्टेट के थ्रू फिर हम लोग वैल्यू को फेच करेंगे नीचे दिखाएंगे। और यहाँ से ये जो वैल्यू होगा ये नेविगेट होके चला जाएगा कहाँ पर, वो हमारा फिर वापस होम पेज में, दैट मीन्स रीड वाला पेज में। तो गाइस ये कंप्लीट जो है आपका स्टेट मैनेजमेंट कैसे होता है कंटेस्ट एपीआई के थ्रू और रिड्यूसर को का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैसे यूज स्टेट का और जो रिड्यूसर फंक्शन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो ये कंप्लीट कोड है इसका। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोग को हो सकता है अपडेट वाला में कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो अपडेट स्टूडेंट्स में क्या हो रहा है, जो इसमें पास हो रहा है यहाँ पे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट मैप, मतलब जितना डेटा है पूरा स्टूडेंट का वो लेगा और जिसकी आईडी मैच होगी वो रो वापस अपडेट होगा, ठीक है, और अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा यहाँ पर।
डिलीट में भी वही कुछ काफ़ी हद तक हो रहा है। फिल्टर इसमें लगाओ स्टेट डॉट स्टूडेंट डॉट फिल्टर, कि जो आईडी डिलीट हो जाएगी वो मतलब जो आईडी मैच होगा, जो आईडी मैच नहीं होगा दैट मीन्स क्या, जो डिलीट हो चुका है उसको छोड़कर जो आईडी मतलब रो डिलीट हो चुका है उसको छोड़कर जो बाकी रहेगा वो फिल्टर करके और हमें कहाँ सेट करेगा, फिल्टर स्टूडेंट्स में, और जाके स्टेट में सेट होगा। और फाइनली रिटर्न जो करेगा वो स्टेट रिटर्न करेगा यहाँ पर, और स्टेट में फिर क्या होगा हमें कि डेफिनेटली वो जगह पे भी है वो अपडेटेड डेटा हमें मिलेगा। अब यहाँ पे अभी भी आपका एक कन्फ्यूजन होगा कि ये चिल्ड्रन क्यों लिखते हैं यार, ये चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ कि ये जहाँ पे जो कंटेस्ट एपीआई हम लोग यूज करेंगे उसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वो सभी जगह पे ये वैल्यू को एक्सेस किया जा सकेगा, ठीक है। मतलब ये जो है जो कंटेस्ट एपीआई जहाँ पे यूज करेंगे हम लोग ऐप के अंदर में, वो उसके अंदर जहाँ भी होगा वो चिल्ड्रन के अंदर सारे वैल्यू मतलब उसके जितने चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वहाँ पर ये सभी में एक्सेस किया जा सकता है। तो ये चिल्ड्रन कौन सा है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, देख रहे हो, तो ये सारे इसके चिल्ड्रन हैं यहाँ, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये वाला, ये जो अपडेटेड जो स्टेट मतलब स्टेट जो होगा और उसका फंक्शन जो होगा वो ये सारे इन सारे के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ भी चाहें। तो इससे क्या हो रहा है, वरना क्या करना पड़ता इस केस में कि पहले हमें ऐप में वैल्यू पास करना पड़ता, फिर जाके क्योंकि ऐप के अंदर है ये, तो फिर जाके फिर हम रीड स्टूडेंट में लेते हैं, फिर ऐप में पास करना पड़ता तब यहाँ लेते हैं। लेकिन हम ऐप में विदाउट पास किए हम लोग इसके थ्रू इसमें जितना भी है इसका जो चाइल्ड कॉम्पोनेंट है वो सभी में इजिली डेटा को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये इसका मेन मकसद था। तो गाइस फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूँ आपको, ऐप डॉट जेएस में हो क्या रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं, मेन बात ये है सारे कंपोनेंट है, इसको हम लोग कंटेक्स्ट को बनाया और कंटेक्स्ट इसके अंदर में कंटेक्स्ट फोल्डर के अंदर में, और यहाँ पे आपको पता है कि पहले क्रिएट करना पड़ता है कंटेक्स्ट और ये पे कॉल करना पड़ता है, हमने क्रिएट किया। और यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन, अच्छा कंटेक्स्ट जो होता है उसके दो, सॉरी रिड्यूसर जो होता है उसमें दो चीज़ें ज़रूरत है यूज रिड्यूसर में, वो होता है रिड्यूसर फंक्शन और दूसरा होता है इनिशियल स्टेट। तो रिड्यूसर फंक्शन हमारा यहाँ है और एक्शन के बेसिस पर वो काम करेगा, और ये स्टेट हमने यहाँ पे लिख दिया ऊपर में कि खाली रहेगा, तो यहाँ इनिशियल स्टेट है। अब ये जो स्टेट हमारा है और ये डिस्पैच, ये दोनों को क्या किया हमने प्रोवाइडर में पास कर दिया और उसको बोल दिया कि भाई देखो ये जहाँ भी हम लोग प्रोवाइडर को यूज करेंगे इसको, इसके सारे चिल्ड्रन में ये वैल्यू को आराम से वो ले सकता है, ठीक है, ये दोनों को। और यही चीज़ मैं अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, इसको बोल दिया कि इसका चिल्ड्रन है सारा, ये सभी में उस स्टेट को इजीली वो एक्सेस कर सकता है, डेटा को पास कर सकता है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हमने दे दिया कि भाई जहाँ भी यूज करेगा वो जगह पे वो कुछ नहीं यहाँ पे उसको कंटेस्ट को लेगा यहाँ पर, और दोनों को हम लोग यहाँ पास कर दिया और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ा हम लोगों ने उसको यूज किया। सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा यूज कंटेस्ट में डिस्पैच को लिया हमने, ठीक है, और इसी डिस्पैच के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो गाइस होप ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल साबित होगा, और मैं कोड को आपको अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप लोग इसको देख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। तो थैंक यू।